हेलो, माय डिश माय तड़का की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी कांटेदार बैंगन की सब्जी। कांटेदार बैंगन हमने हमारे घर में ही बो रखे हैं, क्यारी बना रखी है जिसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप भी अपने घर में इस तरह से क्यारी बना करके बैंगन के पौधे तैयार कर सकते हैं, और बैंगन उगाना बहुत ही आसान। आप इसे गमले में भी इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए आधा किलो कांटेदार ताज़ा बैंगन लिए हैं, जिसको अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लिया है, और अब हमने पानी में ही इनको डाल रखा है। तो इसकी सब्जी बनाने के लिए और जो सामग्री है वो इस प्रकार से हैं: 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, 10 से 12 कलियां लहसुन की जिन्हें छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और 2 टमाटर जिन्हें छोटे पीसेस में कट कर लिया है, 1 कटोरी दही और 1 गिलास पानी, थोड़ा सा हम घी काम में लेंगे, आज हम तेल काम में नहीं लेंगे। और इसे बनाने के लिए हमने 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी कसूरी मेथी, जीरा, राई और अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक काम में लेंगे। तो चलिए हम इसे बहुत ही अलग विधि से आज हम बना करके शेयर करेंगे आपसे। ये देखिए, बैंगन को हमने पानी में ही रखा, और इनको पानी में ही काट लेना चाहिए क्योंकि नहीं तो ये काले हो जाते हैं। देखिए, बहुत ही कच्चे बैंगन हैं, बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बनकर के तैयार होने वाली है। जो डंठल है इसको भी ना हटाएं, इनसे भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। डंठल के साथ ही इनको काट लेते हैं। ये देखिए, सभी बैंगन को काट लिया है, और ये ध्यान रखा है कि इनको पानी में ही डूबे हुए रखा, नहीं तो काले बहुत जल्दी हो जाते हैं। और अब हम मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले एक बाउल में हम दही डाल देंगे, और दही के साथ ही हम हल्दी, मिर्ची, धनिया और नमक डाल देंगे। साथ ही हम इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, लहसुन से ये बहुत ही टेस्टी बनती है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और इस तरह से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आज हम बिल्कुल अलग तरीके से बैंगन की सब्जी बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान, आप अपने किचन में आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, मिक्स हो चुका है। बैंगन को पानी में से निकाल लेंगे और एक दूसरे बाउल में डाल देंगे इनको। बहुत जल्दी जल्दी इसको डाल देते हैं। अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज की ये कच्ची जो खुशबू होती है बैंगन के साथ बहुत ही अच्छी बनती है, इसलिए आप इस विधि से इस सब्जी को बनाएं। मिर्ची को हम रख लेंगे, जिसको हम तड़के में काम में लेंगे। साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे, और टमाटर के साथ ही हमने जो मसाला तैयार किया है दही के साथ, वो इसमें हम डाल देंगे, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ढक्कन लगा करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले को, इस तरह से बिल्कुल से, और इसे करीब 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। मसाले में बहुत ही अच्छी खुशबूदार सब्जी बन करके हमारी तैयार होने वाली है। देखिए, बहुत ही अच्छे से आसानी से मिल जाएगा सारा मसाला, जो दही है, टमाटर है, सभी। गैस ऑन कर दिया है, पैन रख दिया। अब इसमें हम घी डाल देंगे, घी की खुशबू से ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसमें तेल नहीं डालें, और घी को गर्म होने देंगे। ये देखिए, घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जीरा, मेथी और अजवाइन डाल देंगे, और इसको अच्छे से चटकने देते हैं। साथ ही हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च यदि वो वैसे साथ में कच्चे मसाले में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है, इसलिए हम मिर्चों को इनके साथ ही डाला, और अच्छे से मिक्स होने देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घी के साथ में, अजवाइन, मेथी और जीरे के साथ में। मिर्ची जो हमने हरी डाल रखी है, ये देखिए, मिर्ची को पकने देते हैं। अब इसमें हमने जो बैंगन में मसाला मिक्स कर रखा है वो डाल देंगे, साथ ही इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने दही भी डाल रखा है, इसलिए इसको बराबर चलाते रहें। गैस का फ्लेम थोड़ा तेज कर देंगे। इस तरह से सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, कच्चे प्याज और लहसुन से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप अपने किचन में इस सब्जी को आसानी से बना सकते हैं। देखिए, बराबर 5-4 मिनट के लिए हम चलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट जाएगा। ये देखिए, मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डाल लें, और यदि आप सूखे बनाना चाहें तो बिना पानी के भी आप इस सब्जी को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें दही, टमाटर वगैरह सब तो आसानी से पक जाएगी, लेकिन हम इसे रेशेदार सब्जी बनाएंगे, इसलिए हमने पानी डाल करके अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। ये देखिए, इसको ढक देंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इसको पकाएंगे 4-5 मिनट के लिए।
ये देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा करके देखते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये सब्जी हमारी लगभग बन करके तैयार हो चुकी है, और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल ओरिजिनल मसालों की खुशबू इसके अंदर से आ रही है। खाने को मन कर रहा है, लेकिन अभी रोटी नहीं बनी है, इसलिए हम अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ये सब्जी हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे, और मेथी डालने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए बंद कर देंगे, जिससे मेथी की खुशबू इसके अंदर ही रह जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब आप इसे रोटी, पूड़ी या परांठे के साथ में खा सकते हैं। बैंगन की यह सब्जी बनाने की विधि है। यदि आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, धन्यवाद।